हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू गेमिंग्स प्रो। दोस्तों, शैनडोंग मैप का जो अपडेट आने वाला था 0.8.0, वो किसी कारणवश जो है प्ले स्टोर पे नहीं आया है। सो बहुत से लोगों को अपडेट करने में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 80% लोगों को जो है ये अपडेट शो ही नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, आप कैसे अपने जो है इस APK को अपडेट कर सकते हो विदाउट प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हुए। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करना जिनको जो है डाउनलोड करना चाहते हैं इस शैनडोंग मैप को। सो दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। बहुत सारे लोगों ने इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है और मुझे स्क्रीनशॉट भेज रहे थे कि ये देखिए मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो मैं प्ले स्टोर पे भागा भागा गया और मैंने वहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो अपडेट आया नहीं है, तो इसने डाउनलोड कैसे किया। तो फिर उसने मेरे को बताया कि ये ट्रिक आपको अपनानी है तो आप अपडेट कर पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप फिलहाल मेरा ये जो अपडेट देख सकते हो, ये न्यू एकदम डैशबोर्ड मेरे को मिला है पबजी के अंदर, मैंने अपडेट कर लिया है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली कुछ स्टेप जो मैं आपको बताऊँगा वो आपको फॉलो करने होंगे। पहले तो मैं इसे कट कर देता हूँ और सिंपली मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों, आप डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दे दिया एक वेबसाइट का, वहाँ पे आपको जाना होगा। उस वेबसाइट पे आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अपन खोल लेते हैं क्रोम, एंड यहाँ पे मैं उस वेबसाइट का जो है लिंक ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। तो ये वेबसाइट पे आप आ जाओगे, यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है हाउ टू डाउनलोड पबजी मोबाइल 0.8.0 वर्जन, ठीक है। तो इस पे आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा स्लाइड करना है, धीरे धीरे फिर से स्लाइड करना है, और यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे यहाँ देख सकते हो डाउनलोड APK क्लिक हियर। यहाँ पे ध्यान से फिर से देखिए दोस्तों, डाउनलोड APK क्लिक हियर, इस पे आपको टैप करना है, ठीक है। ये आपको किसी और वेबसाइट पे जो है ट्रांसफ़र कर देगा। आपको क्रोम चूज़ करना है, फिर आप एक न्यू वेबसाइट पे आ जाओगे जहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको थोड़ा नीचे करना है और नीचे करना है और नीचे करना है, एकदम नीचे चले जाइएगा और यहाँ पे बीच में डाउनलोड APK आपको दिख रहा है, इस डाउनलोड APK पे आपको क्लिक करना है। ये ब्लू कलर का बड़ा सा डाउनलोड APK, ठीक है। लेकिन इसे करने से पहले आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, आपको अपना पुराना ओल्ड वर्जन जो है डिलीट करना होगा, उसको मोबाइल से डिलीट करना यानी अनइंस्टॉल करना होगा। अगर आपने नहीं किया तो ये नहीं होगा, ठीक है। आप सबसे पहले अपने पुराने ओल्ड पबजी मोबाइल के वर्जन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद आप इसे डाउनलोड APK को क्लिक कर दीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। अब जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर से इसको इंस्टॉल कर लेना है, इस वाले APK को, जहाँ पे ये APK डाउनलोड हुआ होगा आपको उसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए दोस्तों, आप मेरी गैलरी में कुछ फोटोज़ देख सकते हो। आप जब उस APK को खोलोगे, क्योंकि वो APK सिर्फ 40-50 MB का है, तो उसके अंदर कोई भी डाटा नहीं है। अब होगा क्या, यहाँ पे आपके यहाँ पे जो है स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार का दिखेगा, कनेक्टिंग टू द सर्वर, मतलब डाउनलोड करेगा वो डाटा, पूरा डाटा ये APK खुद ब खुद जो है पबजी के सर्वर से खुद ब खुद डाउनलोड कर लेगा। तो यहाँ पे आपको कनेक्टिंग टू द डाउनलोड सर्वर पे क्लिक करना है, ये अपने आप ही डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। बस आपको अपना वाईफाई या फिर मोबाइल डाटा को ऑन रखना है, और आप अपना जो नोटिफिकेशन बार है उसको चेक करके देख सकते हो। वहाँ पे आपको बताएगा कि कितने परसेंट जो है डाउनलोड हो चुका है। ये सिर्फ 1400 MB का होगा जिसे आपको डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डाउनलोड का आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद आप जो अगर अपना जो है नोटिफिकेशन बार नीचे फेंकोगे तो आपको यहाँ पे दिखा देगा कि कितने MB डाउनलोड हो चुका है और कितने MB डाउनलोड होना बाकी है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो आपको जो है अपना पबजी मोबाइल APK ऑन कर लेना है। उसके बाद जैसे आप उसे ऑन करोगे तो आप जो है उसमें सक्सेसफुली आपका जो है शैनडोंग मैप आ चुका होगा, सब मैप आ चुके होंगे, नया जो APK है 0.8.0 वो जो है इंस्टॉल हो चुका होगा। यहाँ पे एक छोटी सी बात और आपको याद रखनी है दोस्तों, उसके अंदर शैनडोंग मैप आपको ऑफिशियली डाउनलोड करना होगा। मैं कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पे अपन मैप को सेलेक्ट करते हैं वहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको डाउनलोड के ऑप्शन पे टैप कर देना है। सिर्फ 80 MB का है ये मैप, शैनडोंग मैप, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। वो अंदर ही अंदर डाउनलोड हो जाएगा 2 सेकंड के अंदर, और उसके बाद आप उसे प्ले कर सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो इसे बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला था कि प्लीज़ इस पर एक वीडियो बना दो कि कैसे हम कौन सी ट्रिक है जिससे अपन वो APK जो है विदाउट प्ले स्टोर जल्दी से अपडेट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो आपको कैसी लगी यार सच में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।